बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सतरंगी फूड्स चैनल। और मैं समीना तारिक। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पूरी उम्मीद होती है कि मेरे सब बहन भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे। आजकल मौसम कुछ चेंज हो रहा है और हर घर में किसी न किसी को कुछ फ्लू, गला ख़राब, ये चल रहा है। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, हमेशा खुश रखे मेरी दुआ से। और चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ चेंज सा है जो कुछ आप देख रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू और बड़ियों के चावल बना रही हूँ, और बनाती तो रहती हूँ। मैंने कहा आज आपसे मैं अपना रेसिपी शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है। बड़ियाँ जो मैंने बनाई थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो आप दो किस्म के बड़ियाँ देख रहे हैं, ये मैंने फ्राई कर ली हैं और ये जो हैं ये कच्ची हैं। देख सकते हैं आप, जो मैंने बनाई थी इनको पहले ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया है, जो मैंने ऑयल रखा हुआ है गर्म करने के लिए। और ये मैंने एक बड़ा आलू ले लिया है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और एक ही टमाटर है, और ये लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च है एक चम्मच, और इसके साथ ये दो प्याज हैं, और साथ में ये कनौर क्यूब्स है, और साथ में ये चावल हैं हस्बे ज़रूरत, और ये खाली नमक और ज़ीरा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्याज डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसी ऑयल के अंदर बड़ियों को फ्राई किया है, और इनको मैं ब्राउन करूँगी प्याज़ों को। ये देखें, एक छोटी मोटी वाली इलायची है छोटे साइज़ में, दो सिनेमन के छोटे छोटे से टुकड़े हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। प्याज ब्राउन होने ही वाला है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अभी कुछ वाइट वाइट बाकी हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, थोड़े वो भी सौते हो जाए। जी ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए, मैं लहसुन अदरक जो है वो अब मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको काट में नहीं डाला, और टमाटर भी डाल दिया, और मैंने ये जो क्यूब खोल के रखा था ये भी डाल दिया, और ये जो बड़ियाँ हैं ये भी मैं भी डालूँगी, और इन बड़ियों को थोड़ा थोड़ा इस कुंडी के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा कूट लूँगी क्योंकि ये अच्छी तरह टेंडर हो सके। ये देखिए, बड़ियाँ मैंने छोटे छोटे पीसों में करनी है कुंडी के अंदर, और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और साथ में ये आलू भी डाल दूँगी ताकि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह कुक हो सकें। अब इसमें मैं एक चम्मच भर के ज़ीरा डाल रही हूँ, और मिर्चें जो हैं वो मैं सब्ज़ वाली डाल चुकी हूँ, और ये नमक है क्योंकि इसमें नमकीन जो है और ज़ीरे का टच ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और इसे पानी खुश्क होने तक ये गलने दूंगी। पानी ड्राई हो गया जो मैंने डाला था, अब मैं इसके अंदर चावलों का पानी डाल रही हूँ। ये लें जी, पानी उबल गया, अब मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ। ये देखें जी, पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया। अब ये वाला फूड कलर देख सकते हैं, मैं जो हमेशा पास रखती हूँ मैं एक दो जगह पर रख दूँगी क्योंकि ये हमें कम ही डाल रहा है। और देखें, चम्मच की हेल्प से मैं इसको थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे कर दूंगी ताकि ये चावलों के अंदर सेट हो जाएगा। और अब दम लगा देंगे। ये लें जी, मैंने डिश आउट कर दिए हैं, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यूँ ही लग रहा है कोई मटन बिरयानी बनी हुई है, लेकिन ये आलू और बड़ियों के चावल हैं। और इसका बनाइएगा ज़रूर, और खाइएगा, बताइएगा कैसे लगे आपको। मुझे तो बहुत पसंद है। जब मेरा कोई खाना वाना या सालन बनाने पे नहीं दिल होता तो मैं बस यही बना लेती हूँ, और सबको बहुत पसंद आते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो लोग नए हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।